So a body slides along a rough horizontal surface. ये horizontal surface बना लेते हैं जिस पे एक body पड़ी है कुछ इस तरह की. Body का mass दे रखा है 10 kg. एक फोर्स पी एक्ट कर रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. ये फोर्स पी है 30 डिग्री पे एक्ट कर रही है. तो ये हो जाएगा पी कॉस 30 डिग्री और ये हो जाएगा पी साइन 30 डिग्री. साथ ही में एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगी इस तरह से. हमें बताना है लीस्ट फोर्स विच एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. जब लीस्ट फोर्स लग रही होगी ये जो ब्लॉक होगा इट विल बी जस्ट अबाउट टू मूव, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन इसकी जीरो होगी. तो एफ नेट विल बी इक्वल टू जीरो विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो वो होगा पी कॉस 30 डिग्री माइनस फ्रिक्शन के. P cos 30 degree will be equal to friction. और friction उस time पे limiting होगा, तो mu into normal के. तो normal equal है. normal के लिए अगर बात करें, तो इसका mass mg का act कर रहा है, और एक normal force है ऊपर की तरफ. So normal is equal to mg minus p sin 30 degree. ये होगा, तो ये बन गया mu into mg minus p sin 30 degree. तो यहाँ वैल्यू फिल कर देते हैं. p cos 30 degree root 3 by 2 is equal to mu mg. तो ये 10 into 10 minus p sin 30 degree ये हाफ होगा. तो हमें दे रखी है वैल्यू न्यू की जो कि इक्वल है 1/√3 के. तो ये बन गया 3/2 p is equal to 100 minus p by 2. इधर जाके बन जाएगा 2p is equal to 100, तो p की वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन्स. ऑप्शंस चेक करें तो सी ऑप्शन आंसर है.